की एक रैली को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा, जब आप गुलबर्गा आए हैं तो अपने बंजारा समुदाय को चिंता ना करने के लिए कहा है, लेकिन आपने उन्हें क्या कहा है? दिल्ली में बनारस का बेटा बैठा हुआ है। जूनियर खड़गे ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने खुद को बंजारा समुदाय का बेटा बताया है, लेकिन बेटा अगर ऐसा नालायक है तो घर कैसे चलेगा? खुद को बंजारा समुदाय का बेटा बताकर उन्होंने बंजारा समुदाय के आरक्षण की समस्या को इस दौरान खड़ा किया है। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कर्नाटक में चुनावी जनसभा के दौरान पीएम मोदी को लेकर बयान दिया था और अब उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अब विवाद टिप्पणी की है। बंजारा समुदाय की एक रैली को संबोधित कर रहे थे प्रियांक, उस दौरान उन्होंने कहा कि जब घर का बेटा ही नालायक है तो भला घर कैसे चलेगा। सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह टिप्पणी। जिस तरीके से अभी विवादित बयान सामने आया है उसके बाद अब फिर से इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। मल्लिकार्जुन ने जहरीला सांप तो उनके बेटे ने पीएम मोदी को नालायक कहा। तो कर्नाटक में आपको बता दें कि चुनावी सरगर्मी पूरे दमखम के साथ में है और इसी को लेकर आपको बता दें कि अब चुनावी जंग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को लेकर जहरीला सांप कहा था तो अब उनके बेटे ने भी इस पर विवादित बयान दिया है। बंजारा समुदाय की रैली को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने पीएम मोदी को नालायक बेटा कहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर बेटा ही नालायक होगा तो भला घर कैसे चलेगा। इस तरीके की टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है कर्नाटक चुनाव में वो देखने को मिल रहा है। तो कर्नाटक चुनाव में लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया था तो अब दूसरी तरफ ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दे दिया है। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी जिस तरीके से बोलते हैं कि मैं बंजारा समुदाय का बेटा हूं, अगर बेटा ही नालायक होगा तो भला घर कैसे चलेगा। पीएम मोदी को लेकर प्रियांक खड़गे की तरफ से ये बयान सामने आया है। जैसे ही उन्होंने बयान दिया उसके बाद सियासत गर्मा गई। आपको बता दें कि जुबानी जंग में ऐसा लग रहा है कि अब राजनेताओं को जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं रह गया है। अब सिर्फ जुबानी जंग के सहारे ही शायद लगता है कि चुनाव जीतने की तैयारी में हैं सभी राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के हों वो लगातार मर्यादा भूलते जा रहे हैं। और अब एक बार फिर से प्रियांक खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया है जिसमें उन्होंने उसे नालायक बताया और उसके बाद आपको बता दें कि इस पर सियासत गर्मा गई है। इससे पहले उनके पिता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जब कर्नाटक में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहा था और उसके बाद सियासत इतनी गर्माई थी कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका था। बीजेपी विधायक ने भी इस दौरान कांग्रेस पर भी जमकर टिप्पणी की थी। सोनिया गांधी को लेकर इस दौरान टिप्पणी की गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का भी बयान सामने आ गया है जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नालायक बेटा कहा है। अब देखना होगा कि इस पर कितनी सियासत गर्माती है, क्योंकि जिस तरीके से जुबानी जंग की बात करें तो इस दौरान मर्यादा ही भूलते नजर आ रहे हैं सभी राजनेता। क्या अब जनता के मुद्दे चुनाव में नहीं रह गए हैं? क्या अब जनता के मुद्दों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ जुबानी जंग पर ही चुनाव जीता जाएगा? तमाम ऐसे सवाल हैं और आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से जहरीला सांप कहा था उनके बेटे ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नालायक बेटा कहा है। वो नजर आ रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अब उनके बेटे प्रियांक खड़गे का भी बयान सामने आ गया है। बंजारा समुदाय की रैली को संबोधित करते हुए मर्यादा ही भूलते नजर आए हैं प्रियांक खड़गे और इस दौरान आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बार फिर से एक विवादित टिप्पणी सामने आई है जहां पर प्रियांक खड़गे ने पीएम मोदी को नालायक बेटा कहा है। इससे पहले आपको बता दें कि प्रियांक के पिता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहा था। जिस तरीके से अब ये जुबानी जंग चल रही है
इसको लेकर अब देखना होगा कि कितनी राजनीति शुरू होती है, क्योंकि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, इसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि शायद अब जनता के मुद्दों को चुनाव में नहीं देखा जा रहा है, अब सिर्फ और सिर्फ जुबानी जंग इस दौरान देखी जा रही है। तो देखिए, कर्नाटक की अगर बात की जाए तो कर्नाटक में जुबानी जंग इस समय पर अपनी मर्यादाएं भूलती नजर आ रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने भी विवादित बयान दे दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नालायक बेटा कहा है। इससे पहले उनके पिता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहा था। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कर्नाटक में सियासत चरम पर है।